पुलिस लगी हुई है। अभी परसों हम एसपी साहब से बात किए, एसपी साहब यही बोले कि देखिए मैडम ये अज्ञात है घटना, इसलिए थोड़ा हम लोग का समस्या आ रहा है। अभी DIG साहब भी आए थे, उसके पता लगाने के लिए नहीं पता चल सका है, उसके लिए इनाम रखे हुए हैं कि जो भी बता देगा उसको 50,000 का इनाम मिलेगा। हाँ, लेकिन बोले कि आज अभी देखिए फैस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, हम लोग किधरों ध्यान नहीं दिए हैं, हम लोग उसी पे लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी है वो पकड़ा जाए, या पकड़ा जाएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होगा। मैम 72 घंटा होगा, अभी कोई भी सुराग नहीं मिला है, पुलिस का कुछ भी दिख नहीं रहा है किस तरीके से। पुलिस लगा हुआ है, अज्ञात कांड है, इसलिए पता लगाने में थोड़ा विलम्ब है, लेकिन लग जाएगा। हैदराबाद में 4 इनकाउंटर प्रियंका रेड्डी वाले मामले को, इसको आप इससे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हम हैदराबाद के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये कर दिया, ये तो बहुत लेट से हुआ, ये और पहले होना चाहिए था। ये हो जाएगा ना तो लड़का के देह में भय पैदा हो जाएगा कि ऐसा कांड करेंगे तो हमको ऐसा सजा होगा। देखिए कहीं भी हम जाते हैं, अभी मुजफ्फरपुर कटरा में ही कांड हुआ, हम लड़की को सुरक्षा भी दिलवा दिए, लड़की को मुआवजा भी 8 लाख रुपया दिलवा दिए, लेकिन लड़का जेल से छूट के आता है, उसके बाद जमानत पर छूट गया, आज के लड़की को डरवा रहा है तो अपना केस ले लो, नहीं तो तुमको तुम्हारा परिवार को मार देंगे। हम ई बात के लेके हम DGP को भी लेटर दिए थे कि क्या आप कार्रवाई करते हैं, हम तो जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं हमको तुरंत खबर कीजिए, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। तो मैम आखिरी सवाल, इसको आप कैसे देखती है कि बलात्कार का ही मामला है या फिर सिर्फ हत्या हुई है या जला के मतलब मारा गया या बलात्कार भी हुआ है, क्योंकि डॉक्टर में द्वंद है, तो प्रशासन किस नज़र से देख रही है इसको? प्रशासन अभी बोला है कि डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि बलात्कार नहीं हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया कि बलात्कार हुआ है, तो दूतरफा बात तो डॉक्टर ने कहा, जो कहे प्रशासन अभी कहा, SP साहब बोले कि बलात्कार हुआ होगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि बलात्कार हुआ, इसमें हमारा क्या फायदा। बक्सर की ही तरह घटना समस्तीपुर में हुई है, लगातार हो रही स्थिति घटना, क्या हम मान रहे हैं कि बिहार में कानून से अब खौफ नहीं है अपराधियों का? देखिए अपराधी तो बढ़ गया है, इसमें कहीं दुमत नहीं है, समझे, लेकिन ऐसा अपराध हो रहा है कि इसको सोचने के बेवस हो जाता है आदमी। अभी हम कल समस्तीपुर ही जा रहे हैं यही घटना के लेके, लेकिन यही है कि वहाँ भी हम SP से बात किए हैं, वो बोले हैं कि मैडम हम इसे लगे हुए हैं, अब उसका भी अभी पहचान नहीं हुआ कि लड़की कहाँ की है, अभी हमको नहीं पता, हो सकता है कि आज हो गया हो, हम तो आज बक्सर में हैं, लेकिन जो भी वहाँ भी यही घटना है, जो भी दोषी होगा तो बरी नहीं होगा, कड़ी से कड़ी। मतलब ये माना जाए कि बिहार में अपराध बढ़ा है? बहुत बढ़ा है।